कुछ ही महीनों के बाद 2015 से ये मॉब ब्लीचिंग का काम शुरू हुआ और लगातार ये चल रहा है। ये घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी, उनके निर्देश के बाद भी, अभी तक केंद्र सरकार ने उसमें कोई पहल नहीं की। अकेले एक राजस्थान सरकार है जिसके मुखिया या वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने वहाँ मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाने का काम किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में यह निर्देश दिया था केंद्र सरकार को कि इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम और सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और ये सिलसिला जारी है। और ये क्यों हो रहा है, अगर देखा जाए, इसके गहराई में जाए हम अगर, तो इस बात का एहसास होगा कि चूंकि जो सरकार में है, जो हुकूमत में है, जो शासन में है, उनकी नीयत सही नहीं है, साफ नहीं है। और एक देश के अंदर, पूरे देश के पैमाने पर ये जो घृणा, नफरत, जो संकीर्ण विचारधारा की जो एक पहल शुरू हुई है, एक पूरे देश के अंदर जो माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये उसी की देन है। आज इंसान इंसान का दुश्मन। शुरुआत तो इसकी अल्पसंख्यक समुदाय से हुई थी, लेकिन उसके बाद दलित का नंबर आया, फिर दूसरे लोगों का आया, और अब तो ऐसा लगता है कि भीड़ तंत्र हमारे देश में चल रहा है। लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र चल रहा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज बनता है, ये सोई हुई जो सरकार है, जिसकी आंख बंद है, जिसके कान बंद है, उसको जगाने के लिए आवश्यक है कि समय पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो ऐसा कानून बनाए, ऐसा तरीका अपनाए, ऐसा प्रशासन में तब्दीली लाने की कोशिश करे जिससे देश के अंदर एक सद्भाव की का माहौल बन सके। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है वर्तमान सरकार से, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति की बुनियाद इस बात पर है कि कितना नफरत बढ़ाया जा सकता है, कितना घृणा बढ़ाई जा सकती है, कितना एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। तो जब ये नियत हो तो उस सरकार से कुछ उम्मीद करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा और वो बेकार हो। लेकिन हम लोग अपने ढंग से, कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से इस बात के लिए कोशिश करें, और क्योंकि हम लोगों का ये परंपरा रही है, संस्कार रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमारी विचारधारा ये रही है कि हम देश के सभी समुदाय को लेकर चलने में विश्वास करते हैं और आगे भी हम करेंगे इन्हीं बातों के साथ। क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार फिर दोनों जो हमारे संगठन के समूह हैं, चाहे वो अखिलती विभाग के हमारे साथी हैं और साथ में जो हमारे शुल्क विभाग के जो साथी हैं उनका, और दिल्ली प्रदेश के तमाम जो हमारे नेतागण आए हैं, उनके साथी आए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई, और हम सबको उस लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि जो लोग आज शासन में हैं वो हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे वो हुकूमत में बने। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे चालाक और चतुर लोगों से हमारा पाला पड़ा है। इसलिए हम सबको, देश की जनता को, नौजवानों को खासतौर पर, उनको जगाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।